बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम करेंगे AutoCAD में कंस्ट्रक्शन लाइन टूल्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन ये जो है तो हम एलिवेशन, साइड, फ्रंट, बैक इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी कई टूल्स भी है इसको हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसको हम जानते ही नहीं। ठीक है, इसकी कई टूल्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर इसका टूल्स भी है, ये को हम क्लिक करूँ तो या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट भी, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे XL स्पेस या एंटर। ठीक है, इसको हम, मैंने XL स्पेस यानी कंस्ट्रक्शन लाइन जारी किया। यहाँ पे ये जो टूल्स है ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बेसिक, ऑफसेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पहला नंबर हॉरिजॉन्टल को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन आएगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये 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 जहाँ पे मैं ड्रा करूँ, क्लिक करूँ, वहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं XL स्पेस कंस्ट्रक्शन लाइन को दोबारा, और यहाँ पे वर्टिकल VR को लिखा है वर्टिकल, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन आएगा वो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा। ठीक है, ये मैंने जो ड्रा की ये वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ दोबारा XL स्पेस, यहाँ पे थ्री नंबर जो है, जो एंगल है, एंगल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। कितना एंगल मैंने से 30 एंगल क्लिक किया। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास आएगा वो 30 एंगल पे होगा, वो कहीं और भी एंगल पे नहीं होगा, सिर्फ 30 एंगल पे होगा। ठीक है, इसको मैं और एंगल पे भी बनाऊँ तो नहीं बनेगा क्योंकि मैंने जहाँ पे जो एंगल रखे है वो क्या है, वो 30 एंगल। यहाँ पे एंगल एंगल मैंने क्या किया, 60 किया, एंटर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन वो क्या होगा, ये 60 पे होगा। आपको देखा है 30 और 60 में कितना फ़र्क है। ठीक है, मैं इसको रेस करता हूँ, फोर नंबर टूल्स पे आता हूँ, XL स्पेस, या पे जो ये है बेसिक्स। ठीक है, ये आप जहाँ पे क्लिक करेंगे इसके जो जो एंगल पे तू इसको ड्रा करता है ड्रा बनेगा। मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मेरा जो मर्जी इस एंगल पे मैं बनाऊँ, लेकिन जब तुम बेस एक को या XL ये फोर नंबर को बेसिक्स को क्लिक करोगे तो ये तो से मांगेगा क्या, फाइन, मेन फाइन। जब तूने मेन फाइन को क्लिक किया तो इसके बाद ये तुमको कहेगा कि जिस एंगल पे तू इसको बनाओ वो बनेगा, ये ठीक है, ये फाइव नंबर टूल्स पे मैं आता हूँ XL स्पेस, ये ऑफसेट्स है। ठीक है, तो ऑफसेट्स के लिए हमारे पास एक लाइन होना ज़रूरी है। मैंने एक सिंपल लाइन ड्रा किया, ये ठीक है। मैं अब XL स्पेस ऑफसेट, मैंने ऑफसेट क्लिक किया, मैं इससे ऑफसेट लेता हूँ और वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक कंस्ट्रक्शन लाइन XL स्पेस, इसके बाद ऑफसेट्स, ऑफसेट के बाद तुझे कहा है कितना यूनिट्स तू ऑफसेट लेते हो, तो मैंने 5 यूनिट्स क्लिक किया और एंटर किया। इसके बाद मैं 5 यूनिट्स यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया और हिस्सा
या फिर, पर मैं इसका फिर भी बनाऊँ तो बनेगा, और इसी का भी, ठीक है। लेकिन ये ऑफसेट है जो हवा लाइन से भी बनेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन से भी बनेगा, और जो तुझे ज़रूरत है ऑफसेट्स की और वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन की, तो ये टूल्स बहुत ज़रूरी है। एक्स एल स्पेस ऑफसेट्स, फिर तुझे कहा कितना यूनिट्स तुम ऑफसेट लेते हो, तो मैंने फिर यूनिट 12 यूनिट्स इंटर किया। इसके बाद मैं लाइन को क्लिक करूँ या कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, ये ऑफसेट बने। ये है कंस्ट्रक्शन लाइन की टूल्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो से बाखबर रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।